लेट नाइट हो रहा है। हम यहाँ पे बैठ गए थे, खूबसूरत ब्रिज है, हम यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये काफ़ी दिन हो गए कराची में। मैंने सोचा कि मैं कल क्वेटा जा रहा हूँ। क्वेटा जाने से एक दिन पहले मेरा दोस्त यहाँ पे आया है क्वेटा से, वो अभी बैरिया टाउन में है, तो उसे अपना लोकेशन सेंड कर दिया। वो अभी मेरे पिक करने के लिए आ रहे हैं, जब तक मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर दूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, सामान वगैरह मैंने गाड़ी में रख दिया। तो अकबर पिक करने के लिए आए थे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है लाडी, कैसे हो? बिल्कुल यार, शार्ट थी, बहुत दिनों बाद कॉल भी नहीं किया आपने यार। मैं बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अच्छा, आपके तो एग्जाम्स हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स यार? अल्लाह का शुक्र है, खैर से गुजरे हैं, बस कल लास्ट पेपर इंशाल्लाह क्वेटा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आप फिर क्वेटा के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं अकबर जान के घर की तरफ। यार बैरिया टाउन पहुंचने के बाद रास्ते में मौसम काफ़ी गर्म था, और अभी हम यहाँ पे अपने लिए सोडा हमने पैक करवाया, अभी हम रास्ते में पीते हुए जा रहे हैं। अकबर जान, आप मुझे लगता है यहाँ पे हमेशा सोडा पीते हो? हाँ, मेरा फेवरेट स्पॉट है यार ये। घर पहुंचने के थोड़े रेस्ट करने के बाद अभी हम कुछ खा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था, अकबर ने बोला मैं आपके लिए बर्गर मंगवाऊँगा। खुद भी खा रहे हैं। बर्गर पूछ रहे हो तुम? तो यार अभी खाने का टाइम है, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ बोलने का मूड नहीं है अभी फिलहाल। थोड़ा और रेस्ट करने के बाद फिर मैं बाहर की तरफ जाऊंगा। A few moments later. अभी मैं प्रीसेंट 11 के टॉप पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मुझे लेट हुआ, मैं लेट यहाँ पे आया, व्यू चला गया, सूरज ग़ुरूब हो गया, मौसम भी अच्छा है, रात होने वाला है। अभी मैं यहाँ पे चहल कदमी करके निकला हूँ घर से। ये कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, हर कोई अपने एंजॉयमेंट में लगा हुआ है। मैं भी यहाँ पे टॉप पे खड़े होके, बहुत खूबसूरत व्यू है, मैं यहाँ से व्यू भी देख रहा हूँ। फाइनली रोटी खाने के बाद अब्दुल्ला भाई ने हमारे लिए चाय बनाया है। हाँ अब्दुल्ला भाई यार, काफ़ी मज़े का आपने चाय बनाया यार। यार रोटी के खाने के बाद बंदा ब्लैक टी या ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो रोटी वगैरह खाते हो वो हज़म भी हो जाता है, और जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अकबर जान, तुम भी इसका इस्तेमाल करो यार। अब्दुल्ला भाई यार इसके लिए भी ज़्यादा बनाया करो चाय वगैरह। हाँ चाय पी के हम बाहर निकलते हैं, एक जगह पे हमें जाना है, वहाँ पे मिलते हैं हम। लेट नाइट हो रहा है, हम यहाँ पे बैरिया पे, एक खूबसूरत ब्रिज है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी ज़्यादा है। यहाँ पे आए हैं और सीन्स कुछ ये है, यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे हैं। अभी सीन्स ये है कि हम ड्रोन उड़ाने वाले हैं, हवा भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा जो भी हो लेकिन मैं ये शॉर्ट्स लूँगा। और ये अकबर जान मुझे गाइड कर रहे हैं कि शॉर्ट्स इस तरह लो और इस तरह लो, आप लोग सिर्फ शॉर्ट्स चेक करें यहाँ पे कि हम किस तरह के शॉर्ट्स ले रहे हैं।
hours later. रात को बैरिया टाउन घूमने के बाद अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कोलाची की तरफ जाएंगे. वहाँ पे एक अकबर का इंटरव्यू है और हाँ बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर से आपका हो जाए. और सामान वामान सारा गाड़ी में पैक कर दिया हमने, निकलते हैं वहाँ के लिए. तो वहाँ जानी इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेरे तरफ से बहुत सारे के साथ हैं. बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, खैर से जाओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं. A few moments later. ओ खैर से अकबर जान, हाँ अकबर जान से पूछ रहे हैं हम कि आपका कैसे गया खैर से इंटरव्यू. भाई हमने तो अपनी कोशिश की है, रिजल्ट के दिन देखते हैं क्या होता है. सही सही.